हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल कॉल्ड नदीम टेक पे। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं पबजी बैन और पबजी एडिक्शन के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हमने एडिक्शन के बारे में बात की थी, जो कि थी गेम एडिक्शन के बारे में। इससे पहले जो वीडियो हमने बनाई थी वो गेम एडिक्शन पे थी। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे पूरा डिटेल पबजी बैन के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और बताएंगे कि क्या आपको लिमिट मिलती है पबजी की तरफ से पबजी खेलने के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों, यहां पे अगर हम बात कर लेते हैं पबजी एडिक्शन के बारे में, तो यहां पे लोगों ने पबजी के प्रति बहुत ही ज्यादा एडिक्शन दिखाया है और ये पबजी मास स्केल पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। दोस्तों, यहां पे लगभग रोज पबजी को लोग 3 से 4 घंटा या 5 घंटा खेलते हैं। यहां पे ऐसा भी होता है कि कई लोग जब तक बैटरी डेड नहीं हो जाती है तब तक इस गेम को खेलते रहते हैं, जो कि ये काफ़ी नुकसानदायक है। यहां पे पबजी को कई स्टेट्स में बैन करने के लिए प्रोग्राम बनाया जा रहा है, जो कि इंडिया में जल्दी ही लागू होने वाली है। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात कर लें पबजी एडिक्शन के बारे में, तो यहाँ पे जो लोग हैं वो मास स्केल पे पबजी को डाउनलोड कर रहे हैं और मास स्केल पे पबजी डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। यहाँ पे लोगों का पबजी के प्रति बहुत ही ज़्यादा प्यार और बहुत ही ज़्यादा स्नेह देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये गेम है ये मास स्केल पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है और इसके वजह से लोग मास स्केल पे इसको डाउनलोड भी कर रहे हैं, इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल भी कर रहे हैं और खेल भी रहे हैं। यहाँ पे पबजी का कोई लिमिट पहले नहीं था कि आप कितना भी घंटा खेल सकते थे, लेकिन अगर आप एक 18 प्लस से कम है, आपका एज 18 प्लस से कम है, तो आप सिर्फ 6 घंटा खेल सकते हैं। मेरे नज़रिए से 6 घंटा बहुत ही ज़्यादा दिया गया है। लगभग आपको 2 से 3 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा गेम खेलना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो लगातार अब जब तक बैटरी डेड नहीं हो जाती है तब तक पबजी के दीवाने रहते हैं और तब तक पबजी खेलते रहते हैं। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं वो कि पढ़ाई छोड़कर अपने गेम के प्रति ज़्यादा ध्यान देते हैं और पबजी के प्रति ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो कि 3 बजे 4 बजे रात तक गेम को खेलते हैं। और एक लड़के सामने ये भी आया था कि अपने माँ बाप से वो पैसा मांग रहा था अच्छा फ़ोन खरीदने के लिए, ताकि वो अच्छे से उसमें पबजी खेल सके, लेकिन माँ बाप ने उसे वो फ़ोन दिलाया नहीं, इसके वजह से उसने सुसाइड कर लिया। यहाँ पे जो लोग हैं जो गेम खेलते हैं वो पबजी के ज़्यादा एडिक्ट हो गए हैं और उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है पबजी खेलना। दोस्तों, यहाँ पे अगर एडिक्शन के बारे में बात कर लें तो यहाँ पे किसी भी चीज़ का एडिक्शन सही नहीं है। अगर ये पबजी का एडिक्शन है तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है, क्योंकि एक गेम आप उतने ही लिमिट तक खेलिए जितना आपका माइंड वर्क करे। दोस्तों, यहाँ पे जो केस सामने निकल के आ रहा है, ये सब सुसाइड केसेस जो सामने निकल के आ रहे हैं, उस चीज़ों को बस आप ही सही कर सकते हैं, क्योंकि आप ही लिमिट अपने ऊपर लगा सकते हैं कि कितना देर तक हमें खेलना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं पबजी बैन के बारे में, तो यहाँ पे कुछ स्टेट्स में इम्प्लीमेंट हुए हैं पुलिस, जबकि अगर कोई भी स्टूडेंट आउटडोर में ये पबजी गेम खेलता है तो उसको पुलिस अरेस्ट करती है। दोस्तों, ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, ना कि किसी इनोसेंट स्टूडेंट को अरेस्ट करके उसे पुलिस स्टेशन ले जाना। यहाँ पे उस चीज़ को अवेयर करें, उस चीज़ को काउंसलिंग करें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा गेम ना खेल पाए और आउटडोर में ऐसे गेम का यूज़ ना करे। दोस्तों, यहाँ पे ये चीज़ इम्प्लीमेंट किया गया है पुलिस के लिए, तो यहाँ पे ये चीज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें स्टूडेंट के लिए बुरी है और इनोसेंट स्टूडेंट इसमें अरेस्ट हो रहे हैं। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताइए कि पबजी गेम कितना अच्छा है और कितना बेहतर है, और साथ साथ में ये भी बताइए क्या ये पुलिस का इम्प्लीमेंटेशन अच्छा है या नहीं, और जो पबजी ने लिमिट लगाई है 6 आवर्स, वो अच्छा है कि नहीं, और आपके हिसाब से कितना लिमिट होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो आपके वजह से ही तो पबजी है और आपके ही वजह से तो गेम है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप कमेंट करके बताइए और अपना सुझाव दीजिए कि ये गेम आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो बस आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। कोई भी सवाल या सुझाव आपके मन में हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।